हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं JSSC CGL 2019 से प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले जो है तीन प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। इसमें झारखंड से जुड़े प्रश्न ही रहेंगे। तो ये देखिए, करंट अफेयर से शुरू होता है हमारा। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने वर्ष 2018 को डैश के रूप में घोषित किया है। किस रूप में घोषित किया है? ए बी सी डी, आप ऑप्शन खुद पढ़ें और आंसर दें। क्या होगा सही आंसर इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बाल निरोग वर्ष। बाल निरोग वर्ष के रूप में 2018 को मनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में ई समाधान योजना चलाया जा रहा है? ऑप्शन है सिमडेगा, धनबाद, पलामू, रांची। क्या होगा सही आंसर इसका? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर अगर पता है तो बता सकते हैं। इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, गिरिडीह में। ठीक है, गिरिडीह में चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है कि भारत एवं विश्व के अन्य देशों में झारखंड की ब्रांडिंग करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? ऑप्शन है, देख सकते हैं आप, महेंद्र सिंह धोनी, दीपिका कुमारी, सुधीर होरो और वरुण एरोन। तो सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, सुधीर होरो। सुधीर होरो। दोस्तों, करंट अफेयर का भी जो है हम लोग वीडियो डालते हैं, आप लोगों को चैनल में जाके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। उसी से जो है ये करंट अफेयर डाला गया है, उसमें काफ़ी डिटेलिंग के साथ आप लोगों को बताया गया है। तो अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं जाके। इसमें मैं डिटेलिंग नहीं करूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे झारखंड हॉकी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, जल्दी से देखिए और सही आंसर बताइए क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सुमराई टेटे को। सुमराई टेटे जो कि हॉकी की बहुत अच्छी खिलाड़ी थी। अगला है कि कौन सा निकाय राज्य का पहला कैशलेस निकाय बना? राज्य का पहला कैशलेस निकाय कौन सा बना है? रांची, धनबाद, चास, आदित्यपुर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, रांची। रांची को बनाया गया है। अगला देख लेते हैं। अगला देखिए, संथाल जनजाति, इसमें जनजातियों से प्रश्न रहेंगे पांच, वो भी संथाल से। ठीक है, तो पहला है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की जनजातियों में संथाल का स्थान कौन सा है? संथाल का स्थान कौन सा है जनजातियों में, बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आप लोग को पता होना चाहिए ए नंबर, यानी कि पहला, संथाल की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है जनजातियों में। और कुछ डिटेलिंग है देख लीजिए, जैसे कि झारखंड में संथालों की मुख्य निवास स्थान है संथाल परगना। ठीक है, संथाल परगना है मुख्य निवास स्थान। और प्रजातीय दृष्टि से संथालों को प्रोटोस्टेरॉइड, ठीक है, प्रोटोस्टेरॉइड श्रेणी में रखा गया है। संथालों को प्रोटोस्टेरॉइड श्रेणी में रखा गया है, ये अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए, संथाल परंपरा के अनुसार झारखंड में प्रवेश करने से पूर्व यह खरवार कहलाते थे, इन्हें खरवार कहा जाता था। ठीक है, अगला है, संथाल में विवाह को क्या कहा जाता है? विवाह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं आप और कमेंट भी कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, बापला। बापला कहा जाता है संथालों के विवाह को। ठीक है, बापला याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला है, इसी में देख लीजिए कि संथाल जनजाति में आठ प्रकार के विवाह प्रचलित है। आठ प्रकार के विवाह प्रचलित है। किरिंग बापला संथाल आदिवासी से संबंधित है, संथाल आदिवासी से संबंधित है किरिंग बापला। और संथाल जनजाति में सर्वाधिक किरिंग बापला विवाह प्रचलित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, किरिंग बापला जो है ये सबसे अधिक प्रचलित है संथाल जनजाति में। ठीक है, अगला है, संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? किसे संथाल जो है अपना सर्वोच्च देवता मानते हैं? ऑप्शन देख सकते हैं, सिंगभोंगा, मरांगुरु, जाहेरेरा, धर्मेश। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक
ठीक है, सिंगबुंगा को मानते हैं। अगला देख लेते हैं, 9 नंबर, इसका थोड़ा डिटेल है कि संथालों का दूसरा सर्वोच्च देवता मरांग गुरु, दूसरा सर्वोच्च देवता मरांग गुरु, पहला सर्वोच्च देवता कौन थे? तो सिंगबुंगा, दूसरा मरांग गुरु, याद रखिएगा। और संथालों का मुख्य ग्राम देवता जहेर एरा को कहा जाता है, जहेर एरा मुख्य ग्राम देवता, ठीक है। और संथाल जो है देवी दुर्गा को जहेर एरा के नाम से पुकारते हैं, ठीक है, देवी दुर्गा को जहेर एरा के नाम से पुकारते हैं। अगला है, संथाल गांव का धार्मिक प्रधान होता है, धार्मिक प्रधान कौन होता है संथाल गांव का? देख सकते हैं आप, जायके मांझी या नायके। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, नायके को, ठीक है, नायके को धार्मिक प्रधान माना जाता है। और संथाल गांव का प्रधान को, गांव का जो प्रधान जो होते हैं उन्हें मांझी कहा जाता है, ठीक है, मांझी। और दूसरा है, संथाल गांव की पंचायतें मांझी थान में बैठती है, जहां पंचायतें बैठती है उसे मांझी थान कहा जाता है। अगला देखिए कि सोहराय पर्व किस माह को मनाया जाता है, सोहराय जो पर्व है वो किस माह को मनाया जाता है? पौष, माघ, फाल्गुन, बैसाख, पता है तो कमेंट करें। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, सोहराय पर्व जो है मनाया जाता है पौष को, पौष माह को, ठीक है, पौष माह। और देखिए, सोहराय पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है, ये पर्व जो है 5 दिनों तक चलता है। और ये जो है संथालों का प्रिय त्यौहार सोहराय जो है, ये फसल कटने के समय मनाया जाता है, यह त्यौहार फसल कटने के समय मनाया जाता है। इन सबसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, तो अच्छे से आप ध्यान से देखिए। अगला है देखिए, झारखंड का भूगोल स्थिति एवं विस्तार, इससे प्रश्न रहेंगे 5। तो पहला है, झारखंड की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो काफ़ी इजी प्रश्न है, आप बता सकते हैं क्या होगा सही आंसर इसका। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 16, तेलंगाना के गठन के बाद ये 16 नंबर का हो गया, उससे पहले जो है ये 15 नंबर का राज्य हुआ करता था क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। और झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है हिस्सा, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि विश्व में जो है भारत का परसेंटेज आता है 2.42, ठीक है, और झारखंड का जो परसेंटेज है भारत में वो भी 2.42 है। और झारखंड का कुल क्षेत्रफल वो कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों? तो क्या होगा सही आंसर इसका? सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर सही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रमंडल है और सबसे छोटा प्रमंडल है पलामू, पलामू प्रमंडल सबसे छोटा प्रमंडल। अगला है, झारखंड की कुल कितने जिले बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं? कुल कितने जिले जो है झारखंड के वो बिहार के सीमा को स्पर्श करते हैं दोस्तों? बताइए आप क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, 10, 10 जिले, झारखंड के 10 जिले बिहार को स्पर्श करता है। और ये देखिए, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के 4 जिले जो है, झारखंड के 4 जिले छत्तीसगढ़ से स्पर्श करते हैं। और उड़ीसा के भी 4 जिले जो है वो झारखंड, झारखंड के भी जो 4 जिले हैं वो उड़ीसा को स्पर्श करते हैं, ठीक है। और पश्चिम बंगाल से 10 जिले स्पर्श करते हैं झारखंड के। और झारखंड का एकमात्र जिला गढ़वा जो कि उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश को एकमात्र जिला है कौन सा? तो वो है गढ़वा, ठीक है, गढ़वा जो छूता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 14 नंबर प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से, पलामू, चतरा, लातेहार या लोहारदगा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, लोहारदगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है
लोहार दगा। और यहाँ देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम है सबसे बड़ा ज़िला, सबसे बड़ा ज़िला पश्चिमी सिंहभूम। और इसका क्षेत्रफल भी देख सकते हैं आप, 7224 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद है गुमला, फिर रांची, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला है 15 नंबर प्रश्न, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है, भारत के किस भाग में स्थित है, ऑप्शन देख सकते हैं आप और बताइए क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी भाग में जो है झारखंड पड़ता है भारत का। और झारखंड जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में झारखंड स्थित है। अब खनिज संसाधन से प्रश्न मिलेंगे 5 आप लोगों को। पहला प्रश्न है रत्नगर्भा किसे कहते हैं, कौन से स्टेट को रत्नगर्भा कहा जाता है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड या फिर बिहार। तो काफ़ी इजी हो जाता है ये प्रश्न, झारखंड, रत्नगर्भा झारखंड को कहा जाता है। और कुछ डिटेल है, झारखंड को भारत का रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, भारत का रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और झारखंड की अधिकतम खनिज पदार्थ आर्कियन सेल से मिलता है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि अधिकतम जो है खनिज पदार्थ जो है वो आर्कियन सेल से प्राप्त होती है झारखंड के, ठीक है। और 17 नंबर प्रश्न देखिए, झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, सबसे पहले कहाँ से हुआ था, रामगढ़, पलामू, झरिया या फिर सिंहभूम। तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, झरिया, झरिया से प्रारंभ हुआ था कोयला का खनन। कुछ देख लेते हैं, जैसे देखिए झारखंड का, झारखंड राज्य का सर्वाधिक कोयला दामोदर घाटी क्षेत्र से प्राप्त होता है। दामोदर घाटी क्षेत्र में जो है झारखंड के जितने ज़िले पड़ते हैं अधिकतर में कोयला पाया जाता है, ठीक है, अधिकतर में। तो याद रखिएगा दामोदर घाटी क्षेत्र में सबसे अधिक कोयला प्राप्त होती है। और उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा कोयला खनन झरिया कोयला खनन है, उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है, उत्पादन, इस पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा कोयला का खान कर्णपुरा खान है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कर्णपुरा और उत्पादन की दृष्टि से झरिया, ठीक है, कन्फ्यूजन हो सकती है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है झारखंड का कौन सा खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है, तो ऑप्शन देख सकते हैं आप और बताइए क्या होगा सही आंसर इसका, सबसे बड़ी लोहे की खान कौन सी है, तो ये हो जाएगी नावामुंडी, नावामुंडी। झारखंड का कौन सा खान एशिया की सबसे बड़ी खान लोहे की खान है, तो नावामुंडी, नावामुंडी याद रखिएगा। और कुछ डिटेलिंग है, लोह अयस्क, लोह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत में तीसरा स्थान रखता है, ठीक है, तीसरा स्थान रखता है उत्पादन की दृष्टि से। और हेमेटाइट जो है लोहे का सबसे अच्छा अयस्क है, हेमेटाइट, ये साइंस का प्रश्न हो जाता है। और हेमेटाइट अयस्क, यहाँ थोड़ा अयस्क, ठीक है, हेमेटाइट अयस्क कोल्हान श्रेणी से सबसे अधिक प्राप्त होता है, कोल्हान श्रेणी से जो है वो सबसे अधिक हेमेटाइट अयस्क प्राप्त होता है। अगला है 19 नंबर कि मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड में कहाँ से होता है, मैग्नीज का उत्पादन झारखंड में सबसे अधिक कहाँ होता है, ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए अगर पता है तो। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम से होता है सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन, ठीक है। और झारखंड में मैग्नीज जो है धारवाड़ चट्टान से प्राप्त किया जाता है, धारवाड़ चट्टान, ये याद रखिए, ठीक है, मैग्नीज धारवाड़ चट्टान से प्राप्त किया जाता है। और झारखंड में मैग्नीज का मुख्य अयस्क साइलोमेलिन, साइलोमेलिन ब्रोमाइट है, ठीक है, ब्रोमाइट आप अच्छे से याद रखिएगा, साइलोमेलिन ब्रोमाइट मेन है, ब्रोमाइट। आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न कि भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है, इस अभ्रक को क्या कहा जाता है, क्या नाम दिया गया है इस अभ्रक का, तो ये जो अभ्रक है वो रूबी कहते हैं उसे, रूबी, ठीक है, यहाँ जो पाया जाता है उसे रूबी कहा जाता है। और
झारखंड में भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से कोडरमा को जाना जाता है। कोडरमा सबसे अधिक अभ्रक कोडरमा में ही पाया जाता है, इसीलिए कोडरमा को कहा जाता है अभ्रक राजधानी। और अगला देखिए कि रूबी श्रेणी के अभ्रक गिरिडीह एवं कोडरमा में पाया जाता है, गिरिडीह एवं कोडरमा में पाया जाता है। अगला है देखिए, झारखंड के मेले एवं पर्व त्यौहार, इससे अब 5 प्रश्न आप लोगों को मिलेगा। पहला प्रश्न है इसमें कि गांधी मेला एवं रामरेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है, बताइए। पता है दोस्तों तो बता सकते हैं। तो इस मेले का आयोजन है जो है सिमडेगा में किया जाता है, सिमडेगा में, ठीक है, इस मेले का आयोजन सिमडेगा में किया जाता है। अगला है, सूर्यकुंड मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है, सूर्यकुंड मेला, रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, बताइए। पता है तो सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग, हजारीबाग में मनाया जाता है, आयोजन किया जाता है इस मेले का, ठीक है। टुसू पर्व संबंधित है, टुसू पर्व संबंधित है, दुर्गा पूजा, सूर्य पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, तो टुसू पर्व जो है वो सूर्य पूजा से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट त्यौहार है ये, इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, यह मकर संक्रांति को टुसू नामक कन्या की स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, टुसू नामक स्मृति कन्या के स्मृति पर मनाया जाता है टुसू पर्व। और इसमें टुसू की स्थापना के लिए रंग बिरंगे कागजों व बांस से जो है मंदिर बनाया जाता है, ठीक है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, मंदिर बनाया जाता है, मंदिर नुमा जो है वो घर कुंडा बनाया जाता है, ठीक है, रंग बिरंगे कागजों से बांस से बनाते हैं घर कुंडा। और उसके बाद क्या करते हैं, पूजा खत्म होने के बाद तो किसी नदी या तालाब में घर कुंडे के साथ टुसू की प्रतिमा को विसर्जन किया जाता है, ठीक है, विसर्जन कर दिया जाता है जिस दिन मेला ये त्यौहार खत्म हो जाता है उसी दिन। अगला है, ओहिरा, ओहिरा गीत संबंधित है किस त्यौहार से, बताइए। ओहिरा गीत जो है वो किस त्यौहार से संबंधित है, वंदना, सरहुल, कर्मा या फिर जन्नी सिकारी, तो सही आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, वंदना, वंदना से संबंधित है ओहिरा गीत। और यह देखिए, कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, ठीक है, कार्तिक अमावस्या, पूर्णिमा नहीं, अमावस्या को मनाया जाता है, यह त्यौहार नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है, जिसे जिसमें जो है जानवरों को धोकर सजाया जाता है, जानवरों को नहला धोला कर उन्हें सजाया जाता है। अगला है आखिरी प्रश्न कि निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्षों में मनाया जाता है, 12 वर्षों में मनाया जाता है, देख सकते हैं ऑप्शन आप और कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, देशावली पर्व, देशावली पर्व जो है वो प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है, ठीक है। और देखिए, जन्नी शिकारी त्यौहार महिलाओं के द्वारा 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है, ये भी 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है जन्नी शिकारी, मगर याद रखिएगा यह महिलाओं के द्वारा ही मनाया जाता है। तो यहाँ समाप्त हो जाते हैं दोस्तों सेट के 25 प्रश्न, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आप लोगों के लिए। ये तो चौथा सेट था, इसी टाइप का आप लोगों को 3 सेट और पीछे पड़ा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। और एक बात, अगर इसमें आप लोगों को किसी प्रकार का गड़बड़ी लग रही है या फिर किसी प्रकार का हम और सुधार कर सकते हैं इसमें, तो आप लोग सुझाव दीजिए, ठीक है, आप लोग के सुझाव को देखते हुए इसमें और कुछ ऐड करें या फिर कुछ सुधार किया जाए आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।